नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियननेस और मैं हूं आपके साथ शिव शुक्ला। चलिए बात करते हैं कुछ इतिहास की। इतिहास की गाथाओं में हमने ना जाने कितने ही सूरमाओं की कहानियां सुनी और सुनाई, लेकिन हम और हमारा समाज शायद उन कहानियों को अपना आधार नहीं बना सका, जिसके बिन हम सब अधूरे हैं। जहाँ एक तरफ 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी, वहीं भारत गुलामी में जकड़ा हुआ इस जंजीर को तोड़ने की भरकस कोशिशें कर रहा था। इसी समय एक लड़की का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा नगर के सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित व्यापारी के यहाँ हुआ था, जिसका नाम था नीरा आर्य। बचपन से ही देश प्रेम और देश के प्रति अपने अंदर पलने वाले जज्बे के चलते इस लड़की ने भारत की इस लड़ाई में हिस्सा बनने की ठान ली थी। ये वो वक्त था जब पिता का कारोबार कलकत्ता में काफ़ी तेजी से फल फूल रहा था। यही वजह थी कि इनकी शिक्षा और दीक्षा भी कलकत्ता में हुई। इस दौरान नीरा आर्य ने हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ कई भाषाएं सीखी। इसी दौर में नीरा आर्य की शादी उनके पिता ने ब्रिटिश भारत में CID इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास से कर दी। जहां एक तरफ नीरा आर्य के रगों में देशभक्ति दौड़ रही थी, वहीं श्रीकांत अंग्रेजी भक्त अधिकारी थे। देशभक्ति और देश को आज़ाद कराने के जज्बे के चलते नीरा आर्य ने शादी के बाद आज़ाद हिंद फौज में 86 रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। ये वो रेजिमेंट थी जिस पर अंग्रेज हमेशा से ही अंग्रेजी सरकार गुप्तचर होने का आरोप लगाया करते थे। उसी समय श्रीकांत जयरंजन दास को आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उन्हें मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जहां एक तरफ नीरा के पति श्रीकांत जयरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस को मारने के आदेश दिए गए थे, वहीं नीरा ने सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए कसम खाई थी। इस दौरान एक वक्त आया था जब श्रीकांत जयरंजन ने नेताजी को मारने के लिए गोलियां भी दागी, हालांकि वो गोलियां नेताजी को ना लगकर उनके ड्राइवर को जा लगी। इस दौरान नेताजी को बचाने के लिए नीरा आर्य ने अपने पति श्रीकांत जयरंजन दास के पेट में संगीन घोप कर उनकी हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ जब सुभाष चंद्र बोस को ये पता चला तो उन्होंने अपने पति की हत्या करने के आरोप में नीरा को नागिन कह दिया। वहीं आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब नीरा आर्य पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, उस दौरान उनके साथ कई बंदी सैनिकों को रिहा कर दिया गया। हालांकि नीरा को अपने पति की हत्या के आरोप में काले पाने की सजा सुनाई गई, जहां नीरा को घोर यातनाएं दी गई। आज़ादी के जंग से अपनी भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने आत्मकथा भी लिखी है, जिसमें उन्होंने उर्दू लेखिका फरहाना ताज को अपने जीवन के कई किस्से सुनाए। यही वजह रही उन्होंने भी अपने उपन्यास में कई हृदय द्रावक अंश लिखे, जिसका एक अंश है कि जब मुझ पर मुकदमा चला और मुझे काले पानी की सजा दी गई, उस दौरान मुझको कोलकाता जेल से अंडमान लाया गया, जहां रहने के लिए छोटी छोटी कोठरियां थीं, जहां पहले से ही अन्य महिलाएं सजा काट रही थीं। ये वो महिलाएँ थीं जो राजनैतिक विरोध में सजा काट रही थीं। इस दौरान मन में बहुत चिंता होती थी कि इस गहरे समुंदर में, अनजान से द्वीप में मुझको आज़ादी आखिर मिलेगी कैसे। यही वजह रही कि ओढ़ने बिछाने का ख्याल भी दिमाग से निकल चुका था। मैं जैसे तैसे जमीन पर ही लेट गई। लगभग 12 बजे का वक्त था जब शायद एक पहरेदार दो कंबल लेकर आया और बिना कुछ बोले ही कंबल फेंक कर चला गया। कंबल ऊपर आकर गिरा तो नींद खुल गई। नींद खुलने से बुरा भी लगा, लेकिन कंबल पाने का संतोष था। बस एक ही समस्या थी, इन हाथों पैरों में पड़ी सांकल्प से आज़ादी कैसे मिले, और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ख्याल आ रहा था। अगली सुबह जब लोहार आया, उसने हाथ से सांकल काटते हुए थोड़ा चमड़ा भी काट दिया, लेकिन जब पैरों की बारी आई और बेड़िया काटने का नंबर आया तो लोहार ने आड़ी बेड़िया काटनी शुरू कर दी, जिसके चलते 2-3 बार पैरों पर आ लगी। दर्द से मैंने दुखी होकर कहा, अरे क्या अंधा है जो पैरों पर मारता है। उसने कहा, पैरों पर क्या, हम तो दिल पर भी मार देंगे, तुम क्या कर लोगी। मुझे मालूम था कि मैं वहाँ एक गुलाम थी, इसलिए कर भी क्या सकती थी, लेकिन मैंने अपना गुस्सा दिखाने के चलते उस पर थूक दिया, कहा कि औरतों की इज्जत करना सीखो। इस दौरान वहाँ पर मौजूद जेलर ने कहा, सुनो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा अगर तुम ये बता दो कि सुभाष चंद्र बोस आखिर कहाँ छिपा है। मैंने उनसे कहा, वो तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, ये बात तो सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन जेलर ने मुझसे सख्त लहजे में कहा, झूठ बोलती हो तुम कि वो हवाई जहाज की दुर्घटना का शिकार हुए, वो जिंदा है। जिसके बाद मैंने कहा, हाँ वो जिंदा तो है। तो जेलर ने कहा, कहाँ है वो। तो मैंने जेलर से कहा कि मेरे दिलों दिमाग में। जिसके बाद गुस्से में जेलर ने छल्लाते हुए तरीके से कहा, अगर वो तुम्हारे दिल में है तो हम नेताजी को तुम्हारे दिल से निकाल लेंगे। जिसके बाद उन्होंने मेरे आंचल पर अपना हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ दिया और लोहार को इशारा किया। इशारा पाकर लोहार ने एक ब्रश ट्रिपर उठाया और मेरे दाएं अस्तन को दबाकर काटने लग गया। हालांकि उसमें धार नहीं थी, हाँ मगर इसने दर्द की सारी सीमाएँ लांघ दी।
इस दौरान दूसरी ओर से चेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा कि अगर फिर से किसी से मैंने जुबान लड़ाई तो मेरे ये दोनों गुब्बारे छाती से पूरी तरह अलग कर दिए जाएंगे। साथ ही उसने मेरी नाक पर वहाँ पड़े चिमटानुमा हथियार से वार किया और कहा कि शुक्र मनाओ हमारी महारानी विक्टोरिया का, इसे आग में नहीं तपाया गया। आग से तपाया गया होता तो तुम्हारे ये दोनों अस्तन अब तक पूरी तरह से उखड़ गए होते। ऐसे कई किस्से हैं जो अनकहे और अनछुए हैं, जिन्होंने इतिहास की उन गुलामियों में जकड़े होने के बाद भी अनेकों तरह से काम करते हुए भारत को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। वहीं जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हम ना तो उन्हें इस तरह की इज्जत दे सके और ना ही वो सम्मान दे सके, क्योंकि नीरा आर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में फूल बेचकर गुजारा किया। साथ ही वो अपने बुढ़ापे के समय फलकनुमा झोपड़ी में हैदराबाद में रहे। यही नहीं, जीवन के आखिरी समय में सरकार ने उनकी झोपड़ी भी तोड़ दी, क्योंकि ये झोपड़ी सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। वहीं जीवन के आखिरी समय में भी बीमारी की हालात में जब इन्हें चार मीनार के पास उस्मानिया अस्पताल में ले जाया गया तो 26 जुलाई 1998 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उसके बाद भी ना तो वो सम्मान उन्हें सरकार दे पाई और ना ही इनकी किसी ने बात की। इस दौरान एक पत्रकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर नीरा आर्य का अंतिम संस्कार किया। हकीकत बस इतनी सी कि हम आज भी उन अनछुए पहलुओं और कहानियों के बारे में नहीं जानते जिनके बारे में हमें जानना चाहिए था, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो आपको कैसी लगी नीरा आर्य के जीवन की ये दास्तान, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें इसी तरह दी इंडियननेस के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। नमस्कार।